मानवता विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। सब लोग जानते हैं आज ही के दिन 6 जनवरी 1992 में देश में सांप्रदायिक फासीवाद की उन्मादी ताकतों ने साझी संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बोलते हुए बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था और साझी संस्कृति पर उस हमले के खिलाफ लोकतांत्रिक सेकुलर समाज के ऊपर वो हमले के खिलाफ पूरे देश में एक लोकतांत्रिक जागरण सामने आया, पूरे देश में एक सेकुलर जागरण सामने आया और जन आंदोलन और उस अभियान के चलते इस देश में एक दौर में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे दिया गया, सांप्रदायिक उन्माद की ताकतों को शिकस्त दे दिया गया। लेकिन फिर पूरे देश में सांप्रदायिक ताकतों की ओर से फासीवाद का नंगा नाच किया जा रहा है और इसलिए इस बार का 6 दिसंबर हम सबों के लिए पूरे देश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में अकलीय समुदाय को बचाने के लिए, इस देश में दलित आदिवासी समाज को बचाने के लिए, इस देश में जनता के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इसी के तहत एक संकल्प के रूप में हम वामपंथी दलों ने पूरे देश में और पूरे बिहार में संयुक्त रूप से सांप्रदायिकता विरोधी मार्च का आयोजन किया है।